हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। ये वीडियो सभी बैट्समैन के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा बैट्समैन फास्ट बॉलर को कैसे खेल सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको आज अच्छी अच्छी ड्रिल बताऊंगा नेट्स में, जिनको आप करके मैच में फास्ट बॉलर को अच्छी तरह खेल सकते हैं और बिना डरे खेल सकते हैं। गाइस, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, नए जो बिगनर लड़के होते हैं बैटिंग करते हैं, उनको डर लगता है फास्ट बॉलर के सामने। तो आज मैं आपको प्लास्टिक के बॉल से और थ्रो आर्मर से ऐसी ड्रिल बताऊंगा जिससे आपका 100% फास्ट बॉलर खेलना बहुत आसान हो जाएगा। अपने वीडियो पूरा देखा तो इस वीडियो को बहुत हेल्प मिलेगी आपकी बैटिंग में। चलिए अब मैं आपको नेट्स में बताता हूँ कैसे आपको फास्ट बॉलर खेलना है। तो गाइज, मेरे साथ हिमांशु और हर्ष ही अभी आपको करके दिखाएंगे कैसे आपको फास्ट बॉलर को खेलना है, नेट्स में कैसे ड्रिल करनी है। तो पहला कारण अभी हिमांशु बताएंगे क्या बड़ा कारण होता है जब हम फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल पाते। तो हिमांशु, क्या बड़ा कारण होता है? तो पहला कारण यह है कि जब हम स्टार्ट करते हैं क्रिकेट खेलना तो फास्ट बॉलर से सबसे बड़ा डर ये होता है कि बॉल कहीं हमें लग ना जाए। तो गाइस, सबसे बड़ा कारण यही होता है जब आप बिगनर होते हो फास्ट बॉलर के सामने खेलते हो तो सबसे डर लगता है हमें खेलते हो कि हमारे बॉल हिट ना कर जाए, तो सबसे बड़ा कारण यही होता है। दूसरा कारण आपको हर्ष बताएंगे क्या कारण होता है दूसरा जो फास्ट बॉलर के सामने। दूसरा कारण ये भी होता है कि हमारे पास अच्छा सामान, अच्छे इक्विपमेंट नहीं होते, उससे हम कंफर्टेबल नहीं फील करते और थोड़ा फंसा फंसा सा महसूस होता है, तो वो भी हमें खेलने में दिक्कत करता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है गाइस, जब हमारे पास अच्छा सामान नहीं होता है, हम थाई अच्छे से नहीं डालते हैं या पैड अच्छे से नहीं डालते हैं, तो ये सब सामान ज़रूरी है अगर आपको क्रिकेट खेलना है। आपके पास अच्छा हेलमेट होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कैसे क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको अगर आपको फास्ट बॉलर को खेलना है। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास प्लास्टिक की बॉल्स होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है अगर आपको फास्ट बॉलर को खेलना है, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पेस आएगा जब आप सीमेंट पर प्रैक्टिस करोगे, एक्स्ट्रा बाउंस आपको प्लास्टिक की बॉल से मिलेगा और थोड़ा आपका डर भी हटेगा क्योंकि बॉल बहुत तेज आता है। दूसरा, आपके पास आर्मर होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों आप मंगा भी सकते हो, अमेज़न का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, मैंने भी वहीं से मंगाया था दोनों। और ये बैट थाई पैड आपके और थाई मून वॉकर, ये सब इक्विपमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेफ्टी जितना होगी उतना आप अच्छा खेल पाओगे, आपको डर नहीं लगेगा फास्ट बॉलर के सामने। अब मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे खेलना है फास्ट बॉलर्स को, कैसे आपका पार्टनर आपको थ्रो डाउन करेगा और कैसे आर्मर से बॉल फेंकेगा, कैसे आपको अपना डंड निकालना है फास्ट बॉलर के सामने, आपकी लेग की मूवमेंट क्या रहेगी, आपको कैसे बाउंसर खेलने हैं, कैसे आपको कट शॉट खेलने हैं, सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है सभी फास्ट बॉलर्स के लिए। बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया फास्ट बॉलर के सामने बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब आगे का वीडियो भी शुरू करते हैं। पहली ड्रिल हम हिमांशु के साथ करेंगे। अब हिमांशु आपको दिखाएंगे कैसे लेफ्ट करना है बॉल, क्योंकि लेफ्ट करना गाइस बहुत ज़रूरी है। अगर आप विकेट पे टाइम दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाहर की बॉल आपको छोड़ना है स्टार्टिंग में, क्योंकि जितना आपकी आई सेट हो जाएगी विकेट पे उतना अच्छा आप खेल सकते हो फास्ट बॉलर को। सबसे पहले लेफ्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। और लेफ्ट करना कैसे है गाइस, आपको सीधा कभी लेफ्ट नहीं करना, बॉल की लाइन में आपका पैर निकलेगा, जैसे बॉल बाहर है, बाहर वाली बॉल ही लेफ्ट करते हैं, बॉल बाहर है, पैर आपका ऐसे निकलेगा और लेफ्ट फिर ऐसे करना है, बैट आपको सामने निकलना लेफ्ट करते हैं। पूरा आपको हिमांशु दिखाएंगे कैसे लेफ्ट करना है। आप इनकी लेग की पोजीशन देखना और कैसे ये बैट अपना पीछे ले जाएंगे उसकी पोजीशन देखना। तो गाइज, आपको ऐसे ही लेफ्ट करना है जैसे हिमांशु ने लेफ्ट किया। आपने देखा होगा कैसे वो लास्ट तक बॉल को वॉच कर रहे थे, आपको भी ऐसे ही वॉच करना है और बैट हमेशा आपको पीछे रखना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं डिफेंस। डिफेंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको विकेट पर सर्वाइव करना है, क्योंकि अगर आप डिफेंस ही अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आप विकेट पर सर्वाइव नहीं कर सकते फास्ट बॉलर के सामने। तो आपको अच्छा डिफेंस और अच्छा लेफ्ट, बिल्कुल आपको बेसिक बातें बता रहा हूं मैं जो बहुत ज़रूरी है फास्ट बॉलर के सामने। अब आपको मैं डिफेंस बताऊंगा सेम प्लास्टिक के बॉल से, और आप इसको आर्मर से भी कर सकते हो। तो अब देखो कैसे हिमांशु डिफेंस करेंगे। डिफेंस में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पेस का यूज़ करना है क्योंकि प्लास्टिक बॉल आपके पास अपने आप आएगी, आपको पैर ज़्यादा नहीं निकालना है, सिर्फ आपको बॉल देखना है और डिफेंस करना है, और बैट आपका थोड़ा आगे रहेगा पैर से, ये भी ध्यान रखना है। और गाइस, चलिए अभी हिमांशु आपको दिखाया कैसे आपको डिफेंस करना है। तो गाइज, अभी आपने देखा कैसे हिमांशु ने आपको डिफेंस और ड्राइव करके दिखाया, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। और आपको एक और बात बता दूं, आप एक दिन में ये सब नहीं सीख सकते। जैसे हिमांशु की शेप आ रही थी खेलते हुए, आप देख रहे होंगे, तो आप ये एक दिन में नहीं सीखते, टाइम लगता है। हिमांशु को भी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब जाके उनकी अभी शेप इतना अच्छा आना स्टार्ट हुआ, अच्छा डिफेंस और ड्राइव आ रहा है, तो आपको भी टाइम लगेगा। एक दिन आप भी ऐसे ही बैटिंग करोगे जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। तो गाइज, अब मैं आपको बता दूं आपको ध्यान क्या रखना है। आपको
डिफेंस करते हुए गैप नहीं रखना है, जैसे हिमांशु ने अपने जब डिफेंस और ड्राइव करे तो उनके पैर और बैट के बीच में गैप नहीं था, ऐसे आपको गैप नहीं रखना है। अगर आपका गैप रहेगा तो आपके आउट होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखना है। और आपकी हेड, आपकी हेड की पोजीशन देख सकते हो कैसे पोजीशन रहेगी आपकी हेड की। गाइज आपकी नी की और चिन की पोजीशन भी आप देख सकते हैं, इनका बॉडी वेट आगे नहीं जा रहा है, आपको भी यही ध्यान रखना है। अगर आपका बॉडी वेट आगे जाएगा तो आप डिफेंस ठीक से नहीं कर सकते, और लेग की पोजीशन देख सकते हैं आप पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं वो। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको अच्छे डिफेंस और ड्राइव करने हैं फास्ट बॉलर के सामने। तो गाइज ये बहुत बातें जरूरी थी सभी, और पुल के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं कैसे आप ग्राउंडेड और लॉफ्टेड पुल मार सकते हैं। और अभी आपको मैं डक बताऊंगा, डक बहुत जरूरी है क्योंकि आपको डर लगता है जब फास्ट बॉलर बॉल डालते हैं कि आपकी बॉडी पे ना लग जाए, तो आप कैसे उन बॉलों को खेलोगे, कैसे आप डक करोगे, तो ये भी अब मैं आपको बताऊंगा। अभी हर्ष आपको बताएंगे कैसे आपको डक करना है और बॉडी लाइन की बॉल खेलना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर हमको वही होता है जब हमारे बॉडी पे बॉल लगने का डर होता है, तभी हर्ष आपको बताएंगे कैसे आपको बॉल को देखना है और कैसे डक करना है। और ध्यान क्या रखना है आपको डक करते हैं, हमेशा आपको बॉडी साइड ऑन रखनी है, आप फ्रंट ऑन कभी भी डक मत करना, क्योंकि बॉडी पे लगने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। जितना आप बॉडी साइड ऑन रखोगे तो आपको चांस ज़्यादा होगा, देख सकते हैं आप ज़्यादा चांस मिलेगा। बॉडी अभी कितनी जगह ले रही है, बस इतनी जगह ले रही है, अगर आप फ्रंट ऑन रखोगे तो देखो बॉडी कितनी ज़्यादा जगह ले रही है, उतना ही चांस होगा आपको लगने का। तो हमेशा आपको हेड स्टिल रखना है और अपना बॉडी साइड ऑन रखनी है। देखिए अभी हर्ष आपको करके दिखाएंगे कैसे आपको बॉल को डक करना है। तो गाइज आपने अभी देखा कैसे हर्ष ने बॉडी लाइन की बॉल को डक किया और कैसे खेला, आपको भी ऐसे ही खेलना है, डरना नहीं है बॉल से। अगर आप डरोगे तो बॉल उतना ही ज़्यादा लगेगी, आपको डरना नहीं है, खेलना है जैसे अभी हर्ष खेल लेते। और गाइज अभी मैं आपको आर्मर से दिखाऊंगा कैसे आप आर्मर से प्रैक्टिस करते हो, सेम यही प्रैक्टिस करनी है। इसमें आप लेदर बॉल भी डाल सकते हो और आप टेनिस बॉल से भी कर सकते हो इससे, और आर्मर देख सकते हो इससे आप ऊपर भी, अगर आपको फुल लेंथ खेलनी है, अगर आपको शॉर्ट बॉल खेलनी है इससे भी कर सकते हो। ये आर्मर भी आप अमेज़न से मंगा सकते हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपको इससे प्रैक्टिस करनी है। तो भाई जैसे भी अजय ने थ्रो आर्मर से बॉल डाला, आपको भी सेम ऐसे ही डालना है, आपकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, जैसे इन लोगों की हुई फास्ट बॉलर के सामने आपकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। चलो अब इस वीडियो का एंड करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने क्रिकेटिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और गाइज अभी हम यूट्यूब पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।